हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को कंटिन्यू करते हुए इसमें पढ़ते हैं पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि एंथर के अंदर फॉर्मेशन हुआ था पॉलन ग्रेन का। जब ये पॉलन ग्रेन रिलीज हुए थे तब पॉलन ग्रेन में टू सेल्स थी, एक सेल थी वेजिटेटिव सेल और एक सेल थी जनरेटिव सेल। साथ में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, तो आपने देखा था कि इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो थी जिसे एक्साइन नाम दिया था, इनर लेयर को हमने इंटाइन नाम दिया था, और कुछ जगह पर जहां पर एक्साइन इंटाइन को कवर नहीं कर रही थी उसे हमने जर्म पोर कहा था। साथ ही हमने बात की थी कि 60% एंजियोस्पर्मी प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज में ही रिलीज हो जाते हैं। कहां से? एंथर से, ये पॉलन सेक्स से ये रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि जो 40% पॉलन ग्रेन रहते हैं वो 40% पॉलन ग्रेन ऐसे रहते हैं जिनमें की जनरेटिव सेल्स जो है वो टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देती है। यानी कि वहां पर जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं एंथर से या पॉलन सेक्स से तब वो थ्री सेल स्ट्रक्चर होते हैं, बट 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में ये टू सेल स्ट्रक्चर ही होता है। साथ ही हमने देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था कार्पल और पिस्टिल, इसमें ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे हुए थे प्लेसेंटा के थ्रू। इस ओव्यूल में फॉर्मेशन हुआ था एम्ब्रियो सेक का, और हमने देखा था कि एम्ब्रियो सेक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो सिंगल मेगास्पोर से हुआ था। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपाइल एंड था, माइक्रोपाइल एंड की साइड की सेल जो थी उसका साइज लार्ज हो गया था, उसका साइटोप्लाज्म डेंस था, उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट था। इसके बाद में उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ था जिससे फोर सेल फॉर्मेशन हुआ था जिसको हमने मेगास्पोर सेल कहा था, और इन फोर मेगास्पोर सेल में से थ्री सेल्स जो थी माइक्रोपाइल एंड की वो डीजनरेट हो गई थी, सिर्फ चेनाजल एंड की साइड की एक मेगास्पोर सेल जो थी वो फंक्शनल थी, जिससे पूरे के पूरे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ था। ये जिसे हम बोलते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ था। तो ऐसे डेवलपमेंट को हमने नाम दिया था मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए हैं पॉलन सेक से, एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो चुका है, अब वो कैसे पहुंचेगा एम्ब्रियो सेक तक। तो पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पर आना और स्टिग्मा से ओव्यूल तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसी को हम पढ़ते हैं इसमें पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल आर टुगेदर कॉल्ड पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन। प्रीवियस क्लासेस में हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में देखा था कि इसमें आउटर कवरिंग थी जिसे हमने एक्साइन कहा था, इनर कवरिंग को इनर जो मेम्ब्रेन थी उसको हमने इंटाइन नाम दिया था, एक्साइन इंटाइन को जिस पॉइंट पर कवर नहीं करती है उसको हमने नाम दिया था जर्म पोर। फिर हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन जो है वो टू सेल स्ट्रक्चर था, एक सेल जो स्मॉल साइज की थी वो थी जनरेटिव सेल और जो बिगेस्ट सेल थी वो थी वेजिटेटिव सेल। पॉलिनेशन की प्रोसेस से, यहाँ पर ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है कहाँ पर? स्टिग्मा पर। यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करता है। हम पढ़ चुके हैं कि जब क्रॉस पॉलिनेशन में हमने एक एडेप्टेशन पढ़ा था सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का, तो यहाँ पर स्टिग्मा क्या करता है, पहले पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर पॉलन ग्रेन जो सही है, अगर पॉलन ग्रेन तो क्या होगा, या पॉलन ग्रेन हम बोल सकते हैं कंपेटिबल है, तो यहाँ पर स्टिग्मा इसको इंड्यूस करता है फॉर द जर्मिनेशन। जब ये कैसे इसको इंड्यूस कर रहा है, इनके बीच में कुछ केमिकल इंटरेक्शन होता है और यहाँ पर स्टिग्मा इसको इंड्यूस करेगा जर्मिनेशन के लिए। जब इसे जर्मिनेशन होता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, इसे हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर जर्म पोर के थ्रू इसमें से फॉर्मेशन होता है किसका? पॉलन ट्यूब का।
ये पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है, इसमें जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो रहता है और साथ में जनरेटिव न्यूक्लियस भी रहता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब होती है अपने में से कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टाइल के जो टिश्यू रहते हैं, स्टाइल में जो टिश्यू होता है वो धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है और पॉलन ट्यूब जो होगी वो आगे की तरफ बढ़ती है। किस साइड जाएगी? वो ओव्यूल की तरफ आएगी। अब क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के पास में आती है और यहाँ पर जो माइक्रोपाइल एंड था, हमें मालूम है कि जो एम्ब्रियो सेक था एक साइड एक पॉइंट पर इंटेग्यूमेंट से कवर नहीं था, उस पॉइंट को हमने नाम दिया था माइक्रोपाइल एंड, उस एंड को कहा गया था माइक्रोपाइल एंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये पॉलन ट्यूब आती है और माइक्रोपाइल एंड से पहुंचती है एम्ब्रियो सेक तक, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई थे इसमें से जो जनरेटिव सेल रहती है, जनरेटिव सेल जो है वो टू मेल गैमेट बनाती है और जो वेजिटेटिव सेल होती है वो डीजनरेट हो जाती है। तो जनरेटिव सेल ने टू मेल गैमेट बना दी है और ये माइक्रोपाइल एंड से कहां तक रहेंगे, एम्ब्रियो सेक तक। अब हम इसी को आगे देखते हैं यहां पर। तो ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब को हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर टू मेल गैमेट्स हैं, तो इसमें पॉलन ट्यूब में पॉलन ट्यूब यहाँ पर आकर के बर्स्ट होती है और हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो फिलीफॉर्म एपरेटस रहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं एंट्री के लिए। तो जब यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब बर्स्ट होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दोनों मेल गैमेट्स हैं ये फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए कहाँ पर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में और यहाँ से ये एक मेल गैमेट जो है ये फ्यूज हो जाता है किसके साथ में, एग सेल के साथ में, एग सेल के साथ में फ्यूज हुआ कौन, मेल गैमेट, और फॉर्मेशन करता है ये किसका, जायगॉट का। यहां पर दोनों के फ्यूजन से फॉर्मेशन हुआ किसका, जायगॉट का। ये जायगॉट जो रहता है ये डिप्लॉइड होता है क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एग सेल जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और जायगॉट जो बनता है वो होता है डिप्लॉइड। यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को या हम बोल सकते हैं कि एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी। ये प्रोसेस जो होती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। और जो सेकेंड मेल गैमेट था, ये मेल गैमेट क्या करता है, ये मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं इनके साथ में फ्यूज होता है। यहाँ पर जो कि तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर टू पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। एक पोलर न्यूक्लियाई हमने देखा था कि इस साइड से आया था, सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई इस पोल से आया था और अभी जो थर्ड मेल गैमेट है वो यहाँ पर आकर के इसे फ्यूज होगा। तो यहाँ पर इस फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इस न्यूक्लियाई को हम अब बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया ट्रिपल फ्यूजन और ये जो है इसको हम बोलेंगे PEN, जो कि बाद में सेल फॉर्म में आ जाएगा और तब हम इसको बोलते हैं PEC, मींस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल क्या करती है, जब जायगॉट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तब उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, PEC हम बोलेंगे। यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट फ्यूज हो गए हैं, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। पहले हमने इसे बोला PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और बाद में जब ये इसके साथ में फ्यूज हो गया है, फॉर्मेशन किया सेल का, तब हम बोलते हैं इसे PEC। तो यहां पर हमने देखा कि एक प्रोसेस हुई सिनगैमी की प्रोसेस। सिनगैमी की प्रोसेस में क्या हुआ, एग सेल फ्यूज हुआ मेल गैमेट के साथ में और सेकेंड हुआ ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें हमने देखा कि टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हुआ एक मेल गैमेट। तो इन दोनों ही प्रोसेसेस को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ये प्रोसेस थी सिनगैमी, ये था ट्रिपल फ्यूजन और दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। पोस्ट पॉलिनेशन।
the pollen and pistil start interacting with each other by releasing a series of chemicals. This interaction allows the pistil to recognize whether the pollen is the right or wrong type. The right type of pollen implies that the pollen belongs to the same species as that of the stigma. The wrong type, on the other hand, means that the pollen is self-incompatible or belongs to other plant species. The pistil rejects the wrong type of pollen by preventing it from germinating or disallowing the growth of the pollen tube. Conversely, if the pollen is of the right type, the pistil accepts the pollen and initiates post-pollination events. Post-pollination events include the germination of the pollen and the formation of the pollen tube, which emerges through one of the germ pores. When the pollen tube starts growing through the stigma and moving towards the ovary, the generative cell, in the case of a two-celled pollen grain, divides mitotically to form the two male gametes. However, in a three-celled pollen grain, the pollen tube carries two male gametes from the point of germination. The pollen tube then grows through the style and advances towards the ovary, which contains the ovule. The pollen then makes its way through the micropyle, the entry point of the ovule, and pierces the filiform apparatus that guides its journey towards the synergid. All these events, from pollen deposition on the stigma until the pollen tube enters the ovule, are together referred to as pollen-pistil interaction. In flowering plants, pollination is an important mechanism that aids in transferring the pollen released from the anther to the stigma of the flower. If the pollen is of the right type, the stigma induces it to germinate and produce a pollen tube. The pollen tube, containing the two male gametes, then secretes hydrolytic enzymes which help the pollen tube to digest the tissues of the style as it travels down to enter the ovule through the micropyle, a minute opening in the ovule. Inside the ovule, the pollen tube encounters the embryo sac, the female gametophyte, containing three antipodals, two synergids, an egg cell, and a central cell with two polar nuclei. The pollen tube now enters one of the synergids through the filiform apparatus, during which it ruptures and releases the male gametes into the synergid's cytoplasm. Of the two male gametes, one enters the egg cell and fuses with its nucleus. This fusion, known as syngamy, or first fertilization, results in the formation of a diploid zygote. Meanwhile, the other male gamete moves towards the two polar nuclei and fertilizes them to produce a triploid primary endosperm nucleus, or PEN. Incidentally, this fusion is known as triple fusion, as it involves the fusion of three haploid nuclei. After the triple fusion, the central cell is called the primary endosperm cell. Did you know that syngamy and triple fusion together represent double fertilization? A phenomenon unique to flowering plants. तो इस तरह से अभी हमने देखा कि जब embryo sac में pollen tube से two male gamete release हो रहे थे, तो एक male gamete fuse हुआ था egg cell के साथ में,
इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था सिनगैमी, और सिनगैमी प्रोसेस से फॉर्मेशन हुआ था जायगॉट का। ये जायगॉट बनाता है एम्ब्रियो को, तो हम बोल सकते हैं वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग न्यूक्लियस टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जायगॉट। दिस इवेंट इज कॉल्ड सिनगैमी एंड जायगॉट लेटर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। फिर हमने देखा था कि एक और मेल गैमेट था, सेकेंड जो मेल गैमेट था वो फ्यूज हुआ था कहां पर, पोलर न्यूक्लियाई से। वहां पर टू न्यूक्लियाई ऑलरेडी पहले से ही थे, एक थर्ड न्यूक्लियस और जाता है और फ्यूज होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसे पहले कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और फ्यूजन के बाद में हम इसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। इसे क्यों कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, क्योंकि यही सेल जो है वो आगे जाकर के फॉर्मेशन करती है एंडोस्पर्म का, और ये एंडोस्पर्म वो टिश्यू होता है। जब जायगॉट से एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है एंडोस्पर्म। तो वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई एट द सेंटर टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसे ट्रिपल फ्यूजन इसलिए हमने कहा है, सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और पीईसी व्हिच लेटर डेवलप इनटू एंडोस्पर्म्स। और यहाँ पर जो सिनगैमी की प्रोसेस हुई या जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अगर एग्जाम में आपसे डबल फर्टिलाइजेशन पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको दोनों ही प्रोसेस बतानी पड़ेगी, सिनगैमी भी और ट्रिपल फ्यूजन भी। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। इसमें हम जब चाहते हैं कि क्रॉप जो हमें मिले वो डिजायरेबल कैरेक्टर वाली ही क्रॉप मिले, तो ऐसे में जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन है वही लैंड करें स्टिग्मा पर, अनडिजायरेबल कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन लैंड नहीं करें स्टिग्मा पर। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हम करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कराई जाती है, इसमें टू मेनली मेथड यूज होते हैं। एक होता है इवेस्क्यूलेशन प्रोसेस। इवेस्क्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, इस फ्लावर के एंथर को डेंसेंस से पहले ही क्या कर दिया जाता है, फॉर्सेप्स से रिमूव कर दिया जाता है। जब यहाँ पर एंथर रिमूव हो जाएगा तो उसके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है, अगर टू फ्लावर है, ये टू फ्लावर है जो दोनों अलग अलग प्लांट पर हैं, हम चाहते हैं कि इस प्लांट के पॉलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचे, ट्रांसफर हो यहां पर। हम नहीं चाहते कि इस प्लांट के पॉलन ग्रेन जो है, इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आए। तो क्या किया जाता है यहाँ पर, ये जो स्टेमेंस रहते हैं या एंथर जो है, या तो पूरे स्टेमेन को, या हम बोल सकते हैं ये जो एंथर वाला पार्ट रहता है, इस एंथर को क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाता है। किससे, फॉर्सेप्स की हेल्प से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन प्रोसेस। और ये जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर होता है, इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को एक पेपर की कवरिंग से, बैग से इसको कवर कर दिया जाता है, जो कि जनरली हम बटर पेपर यूज करते हैं ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड नहीं करे। जब हम देखेंगे कि यहाँ पर स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा तो जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन होते हैं, उन पॉलन ग्रेन को लेकर के हम क्या करते हैं, इसकी अनबैगिंग कर देते हैं, इसके बैग को हटा देते हैं, और उसके बाद में जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन रहते हैं हम उसकी डस्टिंग इस पर कराते हैं। जब इस पर डस्टिंग कराई जाएगी तो यहाँ पर जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन होते हैं, इनका जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट जो है वो बनेंगे, ओव्यूल तक ट्रांसफर होंगे, और यहाँ पर जो हमको क्रॉप मिलेगी या जो हमको फ्रूट्स मिलेंगे इससे, वो सब कैसे होंगे, वो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले होंगे, जिससे हम डिजायरेबल कैरेक्टर वाली क्रॉप को तैयार कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस चूंकि आर्टिफिशियल तरीके से कराए जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस।
The study of pollen-pistil interaction has generated a lot of interest among breeders involved in artificial hybridization. A crop improvement program to produce commercially superior crops with desirable traits such as insect resistance. This is because the knowledge gained in this area has the potential to help breeders manipulate this interaction, including those of incompatible pollination, to get a desired hybrid plant. For instance, breeders know that for successful crossing, it is necessary to protect the stigma from unwanted pollen and expose it to the desired pollen. This is achieved through emasculation and bagging, two techniques developed for artificial hybridization. In emasculation, which is carried out in female plant-bearing bisexual flowers, a pair of forceps is used to remove the anther before it dehisses. Emasculation is followed by bagging, a technique where the emasculated flower is wrapped in a bag, usually made of butter paper, to prevent pollination by unwanted pollen. When the stigma of the bagged flower becomes receptive, it is dusted with mature pollen grains collected from the selected male parent. The flower is rebagged and left to produce fruits. In the case of female plant-bearing unisexual flowers, emasculation is not needed. Instead, the female flower is bagged before it blooms. After the flower has bloomed and the stigma has become receptive, the desired pollen is dusted over the stigma before rebagging the flower. In this way, pollen-pistil interaction allows the plant to recognize the pollen and promote its germination for fertilization to take place. Moreover, gaining knowledge in this field enables the growth of a superior variety of crops. Next class mein ab hum padhenge post fertilization event angiospermic plant mein, jisme hum dekhenge development of embryo and development of endosperm. Thank you.